और अब सीधे चलते हैं हमारे एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया के पास, जिनके साथ जीतन राम मांझी लाइव हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैत्री। मेरे साथ इस वक्त है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम जी मांझी लाइव। बिहार में जो 43 घंटों में सत्ता का परिवर्तन का चक्र घूमा है और जिस तरह से नीतीश ने लालू का साथ छोड़ा है और एनडीए के साथ आए हैं, उसके बाद विभिन्न नेताओं की क्या प्रतिक्रिया है? जीतन राम मांझी जी वही व्यक्ति हैं जो एनडीए नीतीश का साथ छोड़कर एनडीए की तरफ आए थे चुनाव से पहले। मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं बिहार के और साथ ही साथ अपने इलाके के बिहार के एक कद्दावर नेता माने जाते हैं, महादलित कम्युनिटी से आते हैं। और साथ ही साथ मेरे साथ शिवराज सिंह जी है जो कि प्रधान महासचिव रहे हैं आरएलएसपी, जो पार्टी एनडीए की गठबंधन की है, जिसकी भी 2 सीटें हैं लेकिन एक भी मंत्री नहीं बनाया गया उसका। साथ ही साथ जीतन राम मांझी जी मंत्रिमंडल में क्यों नहीं है, इस पर भी उनसे बात करेंगे। जीतन राम मांझी जी, ऐसी खबरें आ रही हैं कि आप नाराज हैं या आप मंत्रिमंडल में जानबूझकर शामिल नहीं हुए और दिल्ली आ गए, क्या हकीकत है इसके, क्या फैक्ट है? देखिए, ये खबर बेबुनियाद है और उसको मैं कह सकता हूं कि ये मीडिया का उपज है। नाराज होने की बात कहां आती है? जिस चीज के लिए विगत 15 महीना से हम लोग ललाई थे कि कब सुमति होती है नीतीश कुमार को कि वो एनडीए के साथ पुनः आ जाए, इसलिए कि 2005 से 2013 तक एनडीए के साथ रह करके बिहार में अच्छा काम किए थे और सुशासन बाबू का अपने जाने जाते थे, फिर किसी दूसरे के प्रभाव में जा करके चले गए और जितना दिन रहे बिहार की दुर्गति हो रही थी। तो हम लोग बार बार ये कहा करते थे, नीतीश कुमार का आह्वान भी करते रहते थे कि नीतीश कुमार जी, आप जिस दबाव में काम कर रहे हैं हम लोग समझ रहे हैं, आप उस दबाव से हटिए और बाहर आइए। रही बात समर्थन का, तो हम एनडीए के नेताओं से, भाजपा के नेताओं से अनुरोध करेंगे कि आपको समर्थन दिया जाए। तो कहने का मतलब, जो हम सोचते थे, जो कहते थे, वही परिस्थिति आ गई, क्योंकि हम जानते थे कि एनडीए में और खास करके नरेंद्र भाई मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, ये बहुत इत्तेफाक से कहिए कि हिंदुस्तान को ऐसा नेतृत्व मिला है जो गरीबों के लिए, देश के लिए, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए कटिबद्ध हैं। उनको कोई दुनिया से मामला नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मामला है कैसे हमारा हिंदुस्तान का प्रेस्टीज आगे बढ़े और हिंदुस्तान के गरीब से गरीब लोग कैसे आगे बढ़े। और इस माने में हम समझते हैं भगवान उनको साथ दिया कि आज डिक्लेयर हो चुका है कि हिंदुस्तान संसार के अच्छे से अच्छे प्रधानमंत्री के रूप में माने जा रहे हैं। और जहाँ तक गरीबों का सवाल है, तो गरीबों के लिए जो योजना उन लोगों ने चलाई है, हम समझते हैं कि हम तो गरीब परिवार में भी सबसे डिप्रेस्ड परिवार से आए हैं, हमारी सोच वो हो सकती थी और हम अपना सोच के आधार पर कुछ काम करना शुरू किया, लेकिन नरेंद्र भाई मोदी जी को ये सब बातें कहाँ से आ गई, जो लगा कि हम लोगों के मुंह की बात को समझ करके, दिल की बात को समझ करके सारा कार्यक्रम उड़ेल दिया है हिंदुस्तान के लिए। और हम समझते हैं कि जिस प्रकार से आज हैं, और ये भी हम समझते हैं कि 2024 तक उनको कोई हटाने नहीं जा रहा है, और ये हिंदुस्तान के लिए बड़ी अच्छी चीज होगी। और उस समय आते आते जो आज गरीब की स्थिति है उसमें निश्चित सुधार होगा। ये बात समझ करके हम कहा करते थे कि नीतीश कुमार किसी दूसरे के चक्कर में पड़े हुए हैं, गलत दबाव में हैं, और आज जब इस्तीफा देकर के आए तो उन्होंने कहा, स्पष्ट कहा कि हम पर इतना दबाव था कि अब सरकार चलाना उनके साथ संभव नहीं हुआ। यानी जिस बात को हम 10 महीना पहले कह रहे थे, 15 महीना पहले कह रहे थे, उस चीज को एक्सेप्ट कर करके वो महागठबंधन से अपना संबंध तोड़ा और आ गए यहाँ। तो सबसे खुशी जीव अगर कहा जाए तो मैं हूँ, और इसमें नाराज होने का कौन सवाल है? मंत्री पद आना जाना लगा रहता है, और आप जानते हैं कि 2005 में यही नीतीश कुमार हमको मंत्री बनाए थे, 4 घंटा के अंदर जब कहा गया कि दागी मंत्री के रूप में आप माने जाते हैं, हमने इस्तीफा दे दिया था। जब आज मुख्यमंत्री के रूप में भी थे, तो ये तो नीतीश कुमार की गलतियां उस समय रही। अगर हमसे कहते कि हम खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं या आप बहुत गलत काम कर रहे हैं, हम एक मिनट नहीं ठहरते, लेकिन वो अपने न कह के किसी दूसरे से कह रहा है कि नीतीश कुमार जी, क्या आपकी कोई उनसे नाराजगी है क्योंकि उन्होंने आपको मुख्यमंत्री पद से हटाया था, एक महादलित व्यक्ति को हटाया था, कोई नाराजगी है नीतीश कुमार? उनको गलत फहमी हो गई थी, लोगों ने समझा दिया था कि जीतन मांझी
को आप जिस रूप में आप बनाए थे मुख्यमंत्री, उस रूप में काम न करके वो ऐसा काम जन सुविधा के लिए और जनहित के लिए कर रहा था कि अगर 2-4-5 महीना और रह जाता तो नीतीश कुमार का नाम लेने वाला कोई नहीं रहता, सब जीतन मांझी की बात करता। तो राजनीति में तो यहाँ भाई के कंधे पर चढ़ के राजनीति होती है, तो उन्होंने कुछ इस तरह की व्यवस्था कर दी। हम राजनीतिक जीव तो है नहीं, हम तो सोशल इंस्टिंक्ट को लेकर के अपना काम करते रहे और फिर हटने का मुझे कोई मलाल भी नहीं। लेकिन उन्होंने यही कहा था कि जीतन मांझी को बना करके हमने महान गलती की है, इस पर थोड़ा सा हमको लगा था कि नीतीश कुमार जी को ऐसा नहीं कहना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी में हम बार बार उनको कह रहे थे कि वो एनडीए में चले आवे और मुख्यमंत्री का पद उनको रहेगा, उसके लिए समर्थन दिया जाएगा। ऐसा हम अपने एनडीए के सभी साथियों से कहेंगे और खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी से कहेंगे। आज वो दिन आ गया बिहार के लिए, यह स्वर्णिम युग है और हम समझते हैं कि अब जबकि 27 वर्षों के बाद बिहार में और केंद्र में एक तरह की सरकार बनी है, इससे बिहार को काफी लाभ होने वाला है और वो लाभ होगा तो हम समझते हैं कि हर दृष्टिकोण से ये जो निर्णय हुआ अच्छा हुआ है और मंत्रिमंडल भी बना, बहुत अच्छा मंत्रिमंडल बना है। मुझे ये बताइए जीतन राम मांझी जी, आपकी इसका मतलब व्यक्तिगत तौर पे नीतीश कुमार से कोई अदावत नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं थी, एक मुद्दा था जिस पर आपने उनकी खिलाफत की थी और अलग हुए? ऑलवेज मुद्दा की बात तो मैं करता ही हूँ और मुद्दा के चलते ही बात है। दूसरी बात, राजनीति में कोई परमानेंट किसी का दोस्त और दुश्मन नहीं होता है, राजहित में निर्णय लिया जाता है और राजहित में निर्णय लेकर के आज नीतीश जी आए हैं तो उनका स्वागत है। और खास करके वैसे समय में जब नरेंद्र भाई मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं, गरीबों के लिए वो काम कर रहे हैं और खास करके गरीबों में सबसे गरीब सतह के आदमी जिसमें हम आते हैं, बिहार में भूया मूसा जिसको कहते हैं, उड़ीसा में भी हैं, बंगाल में भी है, उत्तर प्रदेश में भी करोड़ों ऐसे हमारे साथी लोग हैं जो कहीं आदिवासी के नाम से जाने जाते हैं, कहीं सिंधु कास्ट के नाम से जाने जाते हैं। हम तो खास करके आशान्वित हैं कि अगर कोई दूसरा प्राइम मिनिस्टर होता तो हम लोगों को जैसे छोड़ दिया था 68 वर्ष पहले, आज भी छोड़ दिया जाता, लेकिन नरेंद्र मोदी जी आए हैं, हम लोगों को विश्वास, पूरा विश्वास है कि अगले कुछ दिनों में हम लोगों की दशा और दिशा निश्चित रूप में चेंज होगी, चाहे जिस रूप में हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो। तो इसलिए तो हम बहुत आशान्वित हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इनका नेतृत्व हम लोगों को मिलते रहे। इसलिए तो हम बहुत आशान्वित हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इनका नेतृत्व हम लोगों को मिलते रहे। मुझे आप ये बताइए कि अगर आपको एनडीए के नेता, आपने कहा प्रधानमंत्री जी आपके आइडियल हैं, आदर्श हैं, आप उनको नेता मानते हैं और उससे बढ़िया नेता हाल ही के दिनों में भारत को नहीं मिला और विश्व में उनकी एक चमक है, धमक है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अगर प्रधानमंत्री जी कहते हैं, नीतीश कुमार जी कहते हैं, तो क्या आप मंत्रिमंडल ज्वाइन करें? देखिए, नीतीश जी कहेंगे मंत्रिमंडल में हमें ज्वाइन करने के लिए तो हम तो अनुरोध करेंगे और प्रधानमंत्री जी से भी कहेंगे कि जब मुख्यमंत्री हम रह चुके हैं और मुख्यमंत्री के अंदर बैठ करके दूसरा मंत्री के रूप में काम करना उचित नहीं है। वो हम अब कोई पद हमको मिले इसकी लालसा नहीं है, हम अब समाज के लिए, देश के लिए, राज्य के लिए कुछ करना चाहते हैं। और नीतीश जी हम नहीं समझते हैं कि हमको कहेंगे, क्योंकि हमारी भावना को जानते हैं और ये जानते हुए भी कि बिहार की ही उदाहरण है कि केदार पांडे जी मुख्यमंत्री थे और फिर किसी के मंत्रिमंडल में शामिल हुए थे, दरोगा प्रसाद राय मुख्यमंत्री थे उसके बाद शामिल हुए थे, फिर अभी मध्य प्रदेश में गौर साहब हैं वो मुख्यमंत्री थे भी सब, ये ठीक है, ये बात है। लेकिन हमारा जमीर ऐसा नहीं कहता है कि वंश जब हम चीफ मिनिस्टर रह गए हैं तो फिर किसी पद पर, मंत्री के पद पर रह के काम करें। लेकिन कैबिनेट मंत्री का कोई मोह नहीं है? मोह नहीं, कोई किसी प्रकार का मोह न कभी नहीं रहा है। आज तो चीफ मिनिस्टर ने कहा तो कि 2005 में जब 4 घंटा में हमको कहा गया कि आप दागी हैं, तो हम कहा गया कि जिस सरकार बनी है इतना ये से सरकार चले स्मूथली, इसके लिए हम सेक्रीफाइस करेंगे और उन्हें हमने इस्तीफा देकर दे दिया था। हम पद का कहां मोह कभी है, लेकिन अगर जनहित में हमारी उपयोगिता समझी जाती है और कुछ ऐसा अवसर मिलेगा तो हम भागने वाले भी नहीं है, लेकिन उसकी चाहत नहीं है। हाँ, ये जरूर है अभी जो बिहार का जो मंत्रिमंडल बना है और उसमें काफी अच्छे लोग आए हैं, लेकिन एक नीति से थोड़ा सा विचलन हुआ है। नीति में विचलन हुआ है कि हम लोग का डिस्कशन था कि लेजिस्लेचर पार्टी के अंतर्गत या विधानमंडल के अंतर्गत कोई विधायक है तो उसी को मंत्री बनाया जाए, चाहे जिस पार्टी का हो। और उस स्टेज में जब हमारी बात आई हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का,
तो हम पहले कह दिया था कि हम मंत्री नहीं बनेंगे, तो ये भी कहा था कि हमारे दल से में नहीं है और विधायक से बाहर यानी लिस्टर से बाहर किसी आदमी को लेने की जरूरत होगी जिसकी परंपरा रही है कि उसको एमएलसी में लड़ा करके या कोई विधानसभा सीट खाली करवा करके लड़ाया जाता है, ऐसा अगर बात हो तो प्रायोरिटी हमको दीजिएगा और नहीं तो ये हो जाएगा एकदम स्ट्रिक्टली कि हाँ विधानमंडल का कोई सदस्य को बाहर से नहीं लेंगे, तो हम डैम खुश हैं और खुश भी रहेंगे न होने का कौन सवाल। लेकिन पशुपति पारस जी को जो वहां बनाया गया उनसे मेरा कोई व्यक्तिगत यह नहीं है, अच्छे आदमी हैं, मंत्री लायक हैं, लेकिन वो तो बाहर के आदमी हैं, विधायक नहीं है, मतलब ना विधायक नहीं है ना विधान परिषद के सदस्य हैं, तो जब नहीं वहां है तो विधान परिषद के सदस्य नहीं विधायक नहीं तो उसके बाद तो हमारे दल को प्राथमिकता देनी चाहिए था, सुनने दिए एक बात। और दूसरी बात कि रामविलास पासवान मानवर दिल्ली केंद्र में मंत्री हैं, उनका बेटा चिराग पासवान है और उसके बाद और बहुत सारी बातें उनके साथ हैं, तो उनको दो प्रतिनिधित्व मिला है और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का किसी भी प्रकार से योगदान एनडीए को बनाने में कल या आज कम नहीं है और नहीं रहेगा। इसलिए हम एनडीए के मजबूती के लिए कहना चाहते हैं कि अगर हमारे लोग कोई पदधारी होते हैं बहसियत पदधारी के बाद हम अपने कार्यकर्ताओं को 10 कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज कर सकते हैं तो अच्छा रहेगा। जैसे उदाहरण देते हैं अभी तालकटोरा स्टेडियम में 15 जुलाई को हमने यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस किया, अब जो कॉन्फ्रेंस हम किया शायद आप लोगों की सूचना में होगी कोई पार्टी करे 1 करोड़ रुपया से नीचे खर्च नहीं हुआ, लेकिन हम जनता के सहारे कुछ हमारे जो प्रतिनिधि साथी हैं उनके सहारे ऐसा काम किया कि मात्र कुछ लाख में हम मीटिंग कर लिया। तो कहने का मतलब मेरा जनरल आधार है जहां हम आज मीटिंग करते हैं बिहार में तो कम से कम 5,000 से नीचे कोई भी मीटिंग में मेरा नहीं आता, और बिहार के लोग जो आज जितने भी नेता हैं हम दावा कर सकते हैं कि जितने हमारे मीटिंग में जनता उभरती है खास करके गरीब जनता किसी के यहाँ नहीं है, वो लाएंगे भी तो गाड़ी देंगे खाने के लिए देंगे उनको पैसा देंगे, जबकि जीतन मांझी कुछ नहीं देता उसके बाद अब उसमें भी महिलाओं की संख्या खासा रहती है हमारे यहाँ में। तो कहने का मतलब कि हमारा जो वहाँ फुटिंग है गरीबों में है मजबूत है, जितना हम एनडीए को मदद किया है और जितना कर सकेंगे शायद दूसरे की बात मैं नहीं कहता लेकिन हम समझते हैं कि बहुत हद तक हम उनको मदद करेंगे, वैसी परिस्थिति में हमारे दल को मजबूत होना जरूरी था और अगर 10 हमारे आदमी रहते कहीं पर किसी भी रूप में रहते उनकी गाड़ी रहती उनसे कुछ साधन लेते, आज गरीब को माता एक को पैसा नहीं है उससे हम कहते हैं कि 5,000 रुपया दे दो 10,000 रुपया दे दो, ऐसे कर करके हम आज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं यहाँ या पटना में, अगर वही पदधारी रहते तो मांग लेते उनसे बढ़िया से करते, आज 2 मीटिंग किया था कल 10 मीटिंग करते और 10 जगह हम प्रचार करते नरेंद्र भाई मोदी जी का और एनडीए का तो उससे उनको बल मिलता। यही सजेशन हमने दिया है और कहा है कि इस पर आप लोग विचार कीजिए। इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि जो वर्तमान मंत्रिमंडल बना है या जो अभी कार्रवाई हुई उससे हम क्षुब्ध नहीं है नाराज एकदम नहीं है, हम खुश हैं लेकिन तकनीकी आधार पर कहते हैं कि नियम और परिनियम सबके लिए बराबर होना चाहिए और शरीर के सारे अंग हैं एक होते हैं, एक अंग अगर बीमार है तो उसका इलाज होना चाहिए न कि सबल अंग को ही ये देना चाहिए। ठीक बोला, आपका सिद्धांत बिल्कुल ठीक है लेकिन हम क्या इकलौते प्रतिनिधि हैं विधानसभा के अंदर, तो अगर मंत्री बनाया जाता है तो सिर्फ आपको ही बनाया जा सकता है टेक्निकली, अगर आप किसी के बाहर को न बाहर वाले को न लाएं तो अगर प्रधानमंत्री जी और नीतीश कुमार जी कहते हैं और आपकी बात को समझ लेते हैं जो आपने समझाया है और जो वैलिड पॉइंट भी है तो क्या आप मंत्री बन जाएंगे? नहीं, जो आपने कहा कि टेक्नोलिटी है, अब टेक्नोलिटी तो रहा नहीं, जब पशुपति पारस जी को बना दिया गया तो इसका मतलब कि उदाहरण हो गया तो दूसरे को भी बाहरी आदमी को बना दें, बाद में एमएलसी बन जाएगा या नहीं जरूरत पड़ेगी तो हम तो विधायक हैं ना, हम अपना क्षेत्र छोड़ देंगे वहीं से चुनाव लड़ाएंगे और जीत करके आ जाएगा मंत्रिमंडल में बरकरार रहेगा, तो दोनों ऑप्शन है। तो इसलिए प्रधानमंत्री जी कहें या कहें तो हम उनको कन्विंस करने का प्रयास करेंगे कि हम बाहर रह करके आपकी मजबूती ज्यादा करेंगे आपकी सेवा ज्यादा करेंगे कि हम बिहार में कोई मंत्री पद प्राप्त करके हम सिमट जाएंगे और सिमट जाने के बाद नरेंद्र मोदी जी की बातों को ही हम कैरी आउट कर रहे हैं कि अगर मंत्री के बहसियत हम कहीं जाते हैं मीटिंग करेंगे तो विरोधी कहेगा ना कि सत्ता पक्ष का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो इसलिए हमको खुला रहना चाहिए।
हम 10 आदमी के साथ जाएंगे, हम खुला होकर के एनडीए के लिए काम करेंगे, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर प्रधानमंत्री जी भी सोचेंगे कि ना मंत्री बन ही लीजिए, तो हम उनसे जरूर अनुरोध करेंगे कि एनडीए के हित में हमको नहीं बनना चाहिए। अब उसके बाद भी यदि वो कहेंगे तो उनके आदेश पर तो कहेंगे कि तुम कुछ मत रहो, कहीं मत रहो, उसके बाद भी हम सब कुछ करने को तैयार हैं। प्रधानमंत्री जी का जहां तक सवाल है, उनकी बात को जब तक हम हैं, हमारी जिंदगी है या राजनीतिक लाइफ है, हम प्रधानमंत्री जी के बात से अलग नहीं हो सकते। मतलब आपकी आपका सिर्फ एक मलाल है कि पशुपति पारस को बना दिया गया, यानी उनकी पार्टी को प्रति, ठीक है, मलाल नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि एक सिद्धांत होना चाहिए था, और जो सिद्धांत हुआ कि जो विधायक नहीं है वो मंत्री नहीं, उस सिद्धांत का कैबिनेट में एनडीए को पालन करना चाहिए। निश्चित यही तो मेरा कहना है कि जब सिद्धांत सबके लिए है, और अगर सिद्धांत से विचलन भी होता है, तो पहला हकदार हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर था, न उसको केंद्र में रिप्रेजेंटेशन है, न उसको राज्य में रिप्रेजेंटेशन है, तो उसका एक रिप्रेजेंटेशन भी अगर दे देते, एमएलसी बन जाता, तो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर कुछ ज्यादा मैंने कन्विंसिंग स्थिति में हो जाता, जो हमारे नेतृत्व को चाहिए था, लेकिन किस परिस्थिति में नहीं सोचे, और किस परिस्थिति में वही आदमी को दिए जिस परिवारवाद के खिलाफ बात को लोग करते हैं। अब आज एक आदमी है, अभी हमको पता है कि वो 10 आदमी को इंगेज किए हुए इसी नाम पर, एक कम्युनिटी नहीं बल्कि अपना एक परिवार के नाम पर है। तो परिवारवाद का जब हम लोग बात करते हैं, तो कम से कम एक उदाहरण हो जाए कोई बात नहीं, दो उदाहरण हो जाए कोई बात नहीं, जहां 5-5, 6-6 उदाहरण है, तो फिर वैसे में नहीं करना चाहिए था। और मोर ओवर वो भी कहते हैं पारस, जहां पारस जी कोई ऐसे आदमी नहीं है कि मंत्री लायक बनने लायक हैं, अब बनाया तो ठीक हुआ, लेकिन सिद्धांत का विचलन करके बनाया गया, तो जब सिद्धांत का विचलन करके वहां किया गया, तो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर को भी वो अवसर मिलना चाहिए था, यही कहना है। इसमें न कोई दुख है, न किसी प्रकार का नाराजगी है, हाँ ये कहना है कि इस पर विचार करना चाहिए, अपना परिवार में अपनी बात करनी है, हमको इच्छा हो रही है, हमारी भूख है, तो हम भूख के बारे में तो जरूर कहेंगे कि हाँ हमको एक रोटी चाहिए। आपने साफ साफ कहा कि आपकी रिजर्वेशंस क्या हैं सैद्धांतिक आधार पर, क्या इस बारे में आपकी अमित शाह जी से या भूपेंद्र यादव जी से या प्रधानमंत्री जी से कोई बात हुई है, या आप करने वाले हैं दिल्ली के, आप इसीलिए आए? नहीं, दिल्ली तो हम आ गए, आप जानते हैं कि बिहार के महामहिम गवर्नर ही यहाँ के राष्ट्रपति हुए हैं, और ये भी जानते हैं कि शायद पहला आदमी जीतन मांझी था जिसने एक वॉइस दिया था, और नरेंद्र भाई मोदी जी के समीप भी इस बात की चर्चा किया था कि अगला राष्ट्रपति अगर कोई दलित वर्ग से हो जाए, तो ये जो भाजपा पर क्लेम ब्लेम करते हैं कि दलित विरोधी हैं, तो शायद दूसरे के मुंह पर तमाचा लगेगी और आप दलितों के बीच में आप हो जाएंगे, शायद उनके दिमाग में बात आई होगी। और जब बन गए तो हमको, हमारा कर्तव्य बनता था कि उनके नॉमिनेशन में आना चाहिए था, उनके शपथ ग्रहण में आना चाहिए था, हम नहीं आए, इधर राजनीतिक उठापटक हुआ, तो बीच में हमको मालूम हुआ कि मंगल सोमवार को होगा मंत्रिमंडल का विस्तार, तो हम सोचे संचय एक बार बचा हुआ है, वहां से हम फैक्स किया, महामहिम से प्रोग्राम लिया कि हाँ भाई हमको मिलने का मौका दिया जाए, और हम चले आए, हमको विश्वास था कि मौका मिलेगा ही, लेकिन आज इत्तेफाक है कि कहीं बाहर का प्रोग्राम का है, इसलिए आज न दे करके 31 तारीख को 12 बजे उन्होंने हमको समय दिया है, इसके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं, और उनसे मिलने के बाद तुरंत हम 4 बजे पटना चले जाएंगे। तो कहने का मतलब हम तो इस कार्यक्रम से आए थे, अब इसको चैनल वाले लोग बोल रहे हैं कि नाराज है, नाराज का हमसे खुशी और सुखी तो कोई जीव है ये नहीं है, जो हम चाहते थे, कोई लोग तो डर से नहीं बोलता था, हम तो शुरू से बोल रहे थे कि नीतीश कुमार खिड़की खोल के बैठे हुए हैं, दरवाजा खोलने की जरूरत है, चिंता नहीं है, हम अपने नेताओं से बात करेंगे कि अगर उधर से उनको कोई फटकार या उधर से डिस्कशन होता है या उनको क्या कहते हैं सद्बुद्धि आ जाए, इधर आ जाएंगे तो उनको हम समर्थन के लिए प्रे करेंगे, और मेरे प्रार्थना सुन ली गई। तो कहने का मतलब है कि हम तो सबसे सुखी और खुशी जीव आज की स्थिति में है। तो क्या ऐसी स्थिति में आपकी नाराजगी बिहार बीजेपी से? अब देखिए, बिहार बीजेपी के जब क्या कहेंगे नेता, जब हमारे हैं नरेंद्र मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, जिनसे सही बात है कि इस बार आए तो हमने मिलने का कोई कार्यक्रम नहीं दिया, मांगा था, और बड़प्पन है, हम आज अमित शाह जी से हमारी बात हुई टेलीफोन पर,
हालचाल तो पूछे ही, हमने कहा कि आप अहमदाबाद से राज्यसभा मेंबर के लिए नॉमिनेशन किए हैं, इसके लिए आपको बधाई देना चाहते थे। और फिर बिहार में जो 20 महीना से बिहार पेरा रहा था, बिहार को उबारने में आपने मदद की है, इसके लिए आपको साधुवाद देना चाहते थे, इसीलिए हम चाहते थे कि आपका एक लुक लग जाए। तो उनकी महानता थी कि उन्होंने हमको रिस्पॉन्स किया, उन्होंने भी धन्यवाद दिया और उन्होंने कहा कि हम तो 1 तारीख को आएंगे। हम कहा कि सर हम तो 1 तारीख को नहीं, 31 को ही पटना बैक हो जाएंगे। तो अच्छा, अगर आना तो आइएगा, तो हमसे मुलाकात कर लीजिएगा। जीतन राम मांझी जी ने अपनी बात साफ साफ कही कि उनको मंत्री बनने की कोई इच्छा नहीं, वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन सिद्धांतिक तौर पर हमको एक रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए था। हमारे साथ शिवराज सिंह जी भी हैं, RLSP के पूर्व प्रधान महासचिव। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप व्यक्तिगत तौर पर, सैद्धांतिक तौर पर NDA से अभी भी जुड़े हुए हैं, भले से ही आप RLSP से अलग हो गए हों, मुझे बताइए कि क्या आपको लगता है कि RLSP को भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए था, हमको भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए अगर LJP को मिला है तो? देखिए, मैं LJP के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। पहले तो मैं ये बता दूं कि RLSP से मैं अभी फॉर्मली पार्टी में नहीं हूं। उसका कारण यह है कि मैं एक पार्टी में अभी नहीं रहना चाहता हूं। मैं दलगत नहीं बल्कि NDA गत राजनीति में हूं। मांझी जी के साथ सुबह से ही हूं, मैं सुबह 9:15 बजे भी इनके साथ था, चाय पे चर्चा हुई, अमित भाई शाह जी से इनकी बात हुई, तो मैं उपेंद्र भाई के पास जिस दिन जा रहे थे पटना उसके एक दिन पहले तक था, अरुण जी से मेरी आज बात हुई है। तो मैं NDA गत हूं, दलगत नहीं हूं। जहां तक राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की बात है तो राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का प्रतिनिधित्व माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी कर ही रहे हैं और मैं इसको माननीय प्रधानमंत्री जी के विशाल हृदयता का एक संकेत मानता हूं कि उपेंद्र कुशवाहा जी को अभी तक उनके जीवन के शीर्षतम पद पर माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पहुंचाया। उस समाज से लोग अनदेखे थे राजनीति में, और मैं तो ये भी कहूंगा कि माननीय नीतीश कुमार जी जो अपने शीर्षतम पदों पर पहुंचे हैं वो भी NDA के संगत में ही पहुंचे हैं। तो मुझे लगता है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आम जन को जो न्याय मिल सकता है वो किसी और के नेतृत्व में नहीं, और जो जनप्रतिनिधि वर्ग हैं उनको भी जो न्याय माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिल सकता है वो कोई और देने के काबिल नहीं है। उसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है कि नरेंद्र मोदी जी हैज नो पर्सनल एक्स टू ग्राइंड। और जो माननीय मांझी जी ने कहा कि लगभग 70 सालों से जो वंचित समाज था, तो उसको एक मैं शेर में पिरोना चाहूंगा। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुद्दत में होता है ऐसा दीदावर पैदा। तो ये जो हजारों साल से भारत मां रूपी नरगिस रूपी भारत मां को कोई कोई ऐसा दीदावर नहीं मिला था, तो मैं मानता हूं कि नरेंद्र मोदी जी जैसे व्यक्ति मिले हैं जो इसमें नूर भी डालेंगे, इसमें महक भी डालेंगे, और ये महक और ये नूर जन जन तक पहुंचेगा और खास करके कोविंद जी के जैसे समाज के लोगों के पास। माननीय मांझी जी जो देश के सबसे ज्यादा दबे कुचले समाज से आते हैं, उन लोगों को इस आजादी का जो सही फलाफल है वो उन तक पहुंचेगा, ये मेरा विश्वास है। जो 1947 में आजादी हुई थी, मैं मानता हूं कि इट वाज अ पॉलिटिकल फ्रीडम, और जो 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आजादी हुई है, इट्स कंप्लीट फ्रीडम, इट्स पॉलिटिकल, इट्स सोशल, इट्स इकोनॉमिकल, मैं ऐसा मानता हूं। आप ऐसा मानते हैं, आपको क्या लगता है, चूंकि आप NDA से जुड़े रहते हैं, NDA की एक्टिविटीज में रहते हैं, आप दलगत राजनीति में नहीं रहना चाहते हैं शिवराज जी, तो आपको क्या लगता है NDA की मजबूती के लिए हम और RLSP को रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, और क्या आप NDA के शीर्ष नेतृत्व से इस बारे में किसी तरह की कोई बातचीत कर रहे हैं? मैं तो क्या बोलूंगा, जीतन राम मांझी जी ने ही बोल दिया कि वो एक बिहार के टेक्निकल हैजार्ड का विषय है। आइडियोलॉजिकल हैजार्ड न मांझी जी को है, उन्होंने खुद कहा, आइडियोलॉजिकल हैजार्ड न उपेंद्र जी को है, न अरुण जी को है, यही लोग तो हैं जिनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो मैं तो ये भी कहने को आपके सामने ऑन एयर कह रहा हूं कि अगर जिन लोगों की बात MLAs को मिलने की थी मंत्रालय, मैं उनको अभी अगर कह दूं तो उनमें से लोग रिजाइन कर देंगे। तो आप कह रहे हैं मंत्रालय न, मैं कहूंगा तो वो रिजाइन कर देंगे कि मैं विधानसभा से रिजाइन करता हूं अगर इससे NDA को मजबूती मिलती हो, तो मैं उनसे बिना बात किए कह रहा हूं कि मैं रिजाइन करवा दूंगा अगर NDA को मजबूती मिलती हो। तो NDA को मजबूती मिलने के लिए कोई मंत्री पद का पद मिले या जो विधायकी का पद है वो भी चला जाए, कोई भी मीन्स हो, कोई भी मोड हो, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसी को भी
कोई गिला शिकवा नहीं है, जो कुछ टेक्निकल हैजार्ड्स हैं वो बिहार तक सीमित हैं और मुझे लगता है कि उसको भी दूर कर लिया जाएगा। और माननीय नीतीश कुमार जी के भी नेतृत्व में सभी लोग की आस्था है और मुझे लगता है कि एनडीए की मजबूती से बिहार मजबूत होगा, जो पहले एनडीए की मजबूती से हुआ था। मतलब कुल मिलाकर सभी लोगों का बराबर प्रतिनिधित्व होना चाहिए था। और क्या उपेंद्र कुशवाहा जी को ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार जी की टक्कर में उन्होंने पार्टी खड़ी करी थी तो शायद जातियों का संघर्ष हो सकता है या वो कमजोर हो सकते हैं, क्या ये डर उनके दिमाग में है? नहीं नहीं नहीं, देखिए मैं उपेंद्र कुशवाहा जी के बारे में बताऊं, बहुत कम ऐसे निडर लोग होंगे राजनीति में जिनमें से उपेंद्र कुशवाहा जी हैं। तो वो किसी नेता से डर के काम नहीं करते हैं, अपनी प्रेरणा स्रोत अपनी प्रेरणा से काम करते हैं। वो किसी वंशवाद का फल नहीं है कि वो यहाँ पहुंचे, अपनी मेहनत से पहुंचे। जैसे जीतन राम मांझी जी हैं, नीतीश जी हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, अरुण कुमार जी हैं, हमारे पार्टी के और विधायक हैं, सांसद हैं, कोई भी ऐसे लोग नहीं हैं जिनको वंशवाद का फल मिला। ये सब अपनी मेहनत से पहुंचे हुए हैं, अपनी प्रेरणा से पहुंचे हुए हैं, जनता की सेवा करने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो कोई भी नाराज नहीं है, सभी खुश हैं। कोई भी नाराज नहीं है, शिवराज जी का भी यही कहना है जो एनडीए से जुड़े हुए हैं, और साथ ही साथ जीतन राम मांझी जी का ये कहना है कि टेक्निकल तौर पर हमको एक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए था। हालांकि उन्होंने ये साफ किया कि वो खुद मुख्यमंत्री रह चुके हैं, मंत्री बनने में उनका इतनी दिलचस्पी नहीं है, लेकिन अगर हमको प्रतिनिधित्व मिलता और खासकर उन लोगों को प्रतिनिधित्व मिलता जो विधायक हैं, तो ये सिद्धांततः सही होता। उम्मीद है कि जल्दी ही एनडीए इसका आकलन करेगी और एनडीए हो सकता है कि अपनी इस भूल को या अपनी इस गलती को सुधार